गुड मॉर्निंग, मैं अनिल वर्मा, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड एज ए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। आज मैं आपको वेस्टीज की यूएसपी बताने वाला हूँ। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जैसे हम एडवांटेज बोल सकते हैं। वेस्टीज की सबसे बड़ी एडवांटेज है कि वेस्टीज के जो भी मार्केटिंग प्लान को डिजाइन किया गया, वो मार्केटिंग प्लान एक वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है। वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान का मतलब होता है कि जो आज से पहले की जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर दी, जिसकी वजह से उन्हें लॉन्ग रन पे, यानी कि कुछ लंबे समय के बाद जाकर उनको ये अनुभव हुआ कि शायद हमने शुरुआत में ऐसी गलती कर दी है। तो वेस्टीज ने इस तरीके से अपने मार्केटिंग प्लान को डिजाइन किया है कि जहां पे उसे वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान कहा जा सकता है और उसे एक इंजीनियरिंग मार्केटिंग प्लान कहा जा सकता है। इंजीनियरिंग मार्केटिंग प्लान का मतलब हो गया कि यहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो और ग्रोथ अच्छी हो। तो वेस्टीज अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर में ऐसे वेस्टीज अपने मार्केटिंग प्लान पे अपडेट भी करती है, लेकिन साथ ही साथ उसने जो भी अपने मार्केटिंग प्लान को डिजाइन किया वो एक वेल क्राफ्टेड मार्केटिंग प्लान है। दूसरा जो सबसे बड़ा यूएसपी है वेस्टीज के अंदर में, वो है लो फाइनेंशियल रिस्क। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में कहीं ना कहीं मनी मार्केट बहुत ज्यादा काम करने लगते हैं। मनी मार्केट का मतलब है पैसे लगाओ पैसे पाओ। तो वेस्टीज ने क्या किया, अपने आप को इस तरीके से मार्केटिंग प्लान डिजाइन किया जहां पे आपकी फाइनेंशियल रिस्क कम से कम हो। अब फाइनेंशियल रिस्क कम से कम का क्या मतलब है, वेस्टीज में ज्वाइनिंग के नाम पर तो कोई चार्ज देना नहीं है। जो भी प्रोडक्ट की पर्चिंग आप करते हैं वो भी अपने घर के यूज के हिसाब से करते हैं, यानी आपको एक साबुन चाहिए तो साबुन से वेस्टीज की शुरुआत कर सकते हैं, चायपत्ती चाहिए तो चायपत्ती से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे पैसे लगाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियल रिस्क में लो कहा गया, यानी कुछ ना कुछ तो है। वो क्या है, जैसे कि आप वेस्टीज के अंदर में किसी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं तो आपके जाने का कुछ कॉस्ट आ सकता है, तो ये कहीं ना कहीं तो आपके पैसे लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वेस्टीज में फाइनेंशियल रिस्क जैसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं है। तो पैसा लगने का कोई डर नहीं, पैसा डूबने का कोई डर नहीं, किसी का हम लगाएंगे भी नहीं तो उनका भी नहीं डूबेगा। तो हमारी इज्जत और प्रेस्टीज वाली जो बात होती है वो भी कहीं ना कहीं निग्लिजिबल हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता है लोग के लिए, वो यही बनता है। लोग भागते क्यों हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, भागते इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इज्जत का खतरा होता है कि कहीं कंपनी चली गई या कंपनी डूब गई या कंपनी में काम नहीं हुआ तो ऐसे में जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं उन लोगों के पैसे डूब जाएंगे और ऐसे टाइम के अंदर में शायद हमारा नाम भी पहचान खराब हो जाएगा। तो वेस्टीज में पैसा लगाने जैसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट जैसा कुछ नहीं, इसलिए आप बेफिक्र होकर वेस्टीज के अंदर में ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी आईडी निकालनी है। आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आईडी निकालने के बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन उनके साथ शेयर कर दीजिए। अब उनको जितने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी वहां से शुरुआत करें। कहीं कोई लायबिलिटी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं, पूरी तरीके से फ्रेश प्लेटफॉर्म वेस्टीज का बनाया हुआ है, इसलिए फाइनेंशियल रिस्क वेस्टीज में न के बराबर होता है। आगे बात करते हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। वेस्टीज जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी है। आपको पता है वेस्टीज हिंदुस्तान से स्टार्ट हुई 2004 के अंदर में और आज कंपनी 16 साल के अंदर में आज एक मल्टीनेशनल कंपनी हो चुकी है। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, फिलीपींस, नाइजीरिया जैसी जगह पे आज कंपनी रन कर रही है और कुछ जगह कंपनी स्टार्ट होने जा रही है। अभी कंपनी बांग्लादेश के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रही है, नेपाल के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है, यूएई, दुबई के अंदर में, सऊदी अरेबिया के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो एक वेस्टीज जो है वो इंडियन इंटरनेशनल कंपनी है। तो ये गर्व की बात है कि आज से पहले विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आती थी और आके वेस्टीज अपने प्रोडक्ट को बेचती थी और बेचने के बाद उसके जो मुनाफे होते थे वो अदर कंट्री में चले जाते थे, यानी कहीं ना कहीं उससे देश कमजोर हो रहा था। लेकिन आज प्लस पॉइंट क्या है कि आज एक इंडियन कंपनी मल्टीनेशनल हुई है, तो जब विदेश में जब हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट को कंज्यूम किया जाएगा तो ऐसे में कमीशन जनरेट भी हमारे इंडिया के लोग को मिलेगा और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोडक्ट सेलिंग का जो बेनिफिट है वो भी बेनिफिट हमारे इंडिया को मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी आज हमारी वेस्टीज है और इसके अंदर भारत सरकार भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। अगर कोई भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर विदेश में जाकर मैन्युफैक्चरिंग अपने प्रोडक्ट बेचती है, मार्केटिंग करती है, तो वैसे में भारत सरकार भी उन्हें बहुत सपोर्ट करता है। तो ये खुशी की बात है कि एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी आज हमारी कंपनी हो चुकी है। तो इसके लिए वेस्टीज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं, यानी स्टेट लेवल के या कंट्री लेवल के नहीं है, ये कंट्री से भी बाहर के लेवल के यानी इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है। यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड में वेस्टीज का अपना एक अलग अंदाज है, अपना एक अलग प्लेटफॉर्म कंपनी ने बना के रखा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अंदर में बात करें तो इनकम की स्टेबिलिटी, इनकम की स्टेबिलिटी है वेस्टीज के अंदर में क्यों है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वेस्टीज के अंदर में कोई ऐसा पोस्ट नहीं है जहां पे पोस्ट पे आने के बाद आपको कुछ ना कुछ काम ना करना पड़े। वेस्टीज के अंदर में आपको हर एक पोस्ट पे कुछ ना कुछ आपसे छोटा नहीं छोटा काम जरूर कराया जाता है। जैसे डायरेक्टर बोनस है तो 2000 PV पे आप करते हैं, सिल्वर 1800 PV पे करते हैं, गोल्ड जो होते हैं वो 1500 PV करते हैं, स्टार जो होते हैं वो 1000 PV करते हैं, डायमंड जो होते हैं वो 500 PV करते हैं, जो क्राउन होते हैं वो अपने 6 लोग को डायरेक्टर मेंटेन कराने में लगे रहते हैं। यानी पूरी तरीके से हर एक इंसान जिस भी लेवल पे है उस लेवल पे अपने आप को मेंटेन के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करता रहता है। तो जब कुछ ना कुछ मेहनत होता रहता है तो ऐसे टाइम के अंदर में क्या है कि आपके बिजनेस की भी एक स्टेबिलिटी बनी रहती है और जब बिजनेस की स्टेबिलिटी बनी रहती है तो इनकम की स्टेबिलिटी बनी रहती है। यानी ऐसा नहीं कि आज आपने कमा लिया बहुत ज़्यादा, कल हो के बिजनेस की कोई गारंटी नहीं कि कल हो के बिजनेस कितना होगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर में जो मेंटेनेंस वाली जो बात होती रहती है इसकी वजह से बिजनेस भी मेंटेन रहता है और इनकम भी आपकी मेंटेन रहती है। तो एक बहुत अच्छा तरीके से कंपनी ने अपने मार्केटिंग प्लान को इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको उसका बेनिफिट मिल सके, तो इनकम की स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होता है। आगे बात करते हैं हाई रिटर्न्स। इनकम की स्टेबिलिटी तो है ही, साथ ही साथ हाई रिटर्न्स।
हाई रिटर्न्स का मतलब क्या होता है कि आप जितना बिजनेस कर रहे हैं उसमें रिटर्न्स कितने आपको मिल रहे हैं। वेस्टीज के अंदर में आपको जैसे कि आपको पता है कि अगर वेस्टीज के अंदर में अगर कोई 100 रुपये का बिजनेस करता है तो उसमें 60% उसके बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं और 60% पे 60% का कमीशन जनरेट हो जाता है, यानी कि 36% का डिस्ट्रीब्यूशन वेस्टीज आपको करती है ऑन अकाउंट, यानी अकाउंट के रूप में, और साथ में कंपनी आपको डिस्काउंट देती है, इसके अलावा कंपनी आपको मंथली ऑफर देती है, इसके अलावा कंपनी कंसिस्टेंसी ऑफर देती है, इन सबको जोड़ दे तो लगभग 40% एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी 40 और 30 लगभग मिलाकर देखा तो 70 से 72% तक कंपनी आपको डिस्काउंट और डिस्ट्रीब्यूशन दे देती है। तो सबसे कम अमाउंट में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अगर बात करें तो वेस्टीज का आज के टाइम के अंदर में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। इतनी बड़ी कंपनी, इतने ब्रांड आज के टाइम के अंदर वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं एक ब्रांडेड प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, लोगों को सेटिस्फेक्शन पूरी तरीके से मिल चुका है अपने वेस्टीज के प्रोडक्ट पे, कहीं कोई डाउट नहीं है, ना ही प्राइस के ऊपर ना ही क्वालिटी के ऊपर, और ऐसे में क्या कि वो एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद भी कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपने मार्केट के जितनी भी जॉइंट कंपनियां, अलग कंपनियां जो भी हैं, उन सबसे कहीं ज़्यादा कंपनी आज डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वेस्टीज के अंदर में। रिलायबल एंड प्रॉफिटेबल, रिलायबल का मतलब होता है जिस पर आप विश्वास कर सके, और प्रॉफिटेबल का मतलब जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता हो। बहुत सारी कंपनियां रिलायबल हो जाती है, 100 साल पूरा कर लेती है, लेकिन उसमें क्या था, प्रॉफिट नहीं हो पाता है, वो करोड़ों में बिजनेस आ रहा है लेकिन इनकम लाखों में नहीं है, वो इनकम हजारों में है, बिजनेस करोड़ों में है लेकिन इनकम हजारों में आती है, तो ये दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको रिलायबल भी होना चाहिए और प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। रिलायबल का मतलब है जिस पर आप विश्वास कर सके, और प्रॉफिटेबल का मतलब है कि जिसमें कंपनी में रहने के बाद आपकी इनकम की रिटर्निंग्स भी अच्छी आए, यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी रिटर्निंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये वेस्टीज के साथ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप रिलायबल भी हैं, यानी आप विश्वसनीय भी एक कंपनी वेस्टीज है, और साथ में प्रॉफिटेबल भी है, प्रॉफिट का मतलब कि आप अच्छे रिटर्न्स ले पाते हैं। आगे बात करते हैं ग्रेट इंसेंटिव। इंसेंटिव जहाँ तक आपको पता है कि वेस्टीज के अंदर में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके कम समय के अंदर में लग्जरी तक पहुँच जाते हैं, BMW, ऑडी, मर्सिडीज, जगुआर, मैं खुद वेस्टीज से वॉल्वो गाड़ी ले चुका हूँ। तो आज ये सब कुछ जो मिला है वो क्या है, वो ग्रेट इंसेंटिव की वजह से मिला, यानी जो जैसे कार फंड है, हाउस फंड है, ट्रेवल फंड, ये सब इंसेंटिव के फॉर्म में जो हमें मिल जाता है ये बहुत अच्छा होता है। कम बिजनेस के अंदर में हमें बड़ा इंसेंटिव मिल जाता है वेस्टीज के अंदर में, ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप वेस्टीज के अंदर में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हैं वेस्टीज के अंदर में जरूर आइए और पार्ट टाइम के अंदर में बिजनेस में हाथ मिलाइए, मैं भी आपका स्वागत करूँगा, आप आइए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर में, आप मेरे साथ जुड़िए। अगर आप ज्वाइन नहीं किया तो मेरे साथ आइए। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो पहले से किसी और ने रेफर किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उनके साथ ज्वाइन कीजिए, लेकिन अगर आप वीडियो मेरा ऐसे ही अगर आपको यूट्यूब पर मिल गया है तो ऐसे टाइम के अंदर में अगर आपके पास कोई रेफर स्पॉन्सर नहीं है तो आप मेरे साथ आ सकते हैं, मैं आपका पूरी तरीके से स्वागत करूँगा। आगे बात करते हैं एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो भी आपको ट्रेनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे 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 की बात नहीं होती है। हाँ, हमारे यहाँ जो इनकम लेने वाले जो लोग हैं उनका नाम पूरी एशिया में हाईएस्ट अर्नर के रूप में जाना जाता है, मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिनकी एक महीने की आमदनी 1 करोड़ से ज़्यादा हर महीने की रहती है। तो ऐसे लोग को एशिया का हाईएस्ट अर्नर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी वेस्टीज आपको कहती है कि आपको मैं एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दूंगा, यानी इतना ट्रेनिंग करा दूंगा जहाँ पर आप एक अच्छे नेटवर्क बन सके। आज मुझे भी खुशी होती है कि मैं भी लगभग 6 साल पहले कुछ नहीं जानता था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, बहुत ज़्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं था, लेकिन जब मैं आया तो कंपनी के कोई भी ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है जिसको मैंने मिस किया हो। चाहे मेरे बच्चे का बर्थडे मिस हो गया हो, चाहे मेरे बच्चे का जन्म मिस हो गया हो, मेरे सामने मेरे बच्चे का जन्म मेरे आँख के सामने नहीं हुआ, मैं उस टाइम के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेने गया हुआ था। सोच के देखिए, ऐसे सिचुएशन में मैंने ट्रेनिंग मिस नहीं किया, सब कुछ मिस किया, ट्रेनिंग मिस नहीं किया। मैं बार बार बोलता हूँ, आज मैं वेस्टीगन में सक्सेस इसलिए हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश, आज मैं वेस्टीगन में सक्सेस इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सब छोड़ा, वेस्टीज नहीं छोड़ा। इस बात का ध्यान रखिएगा, सक्सेस आपको तभी मिलता है ना जब आप सब छोड़ते हैं और वेस्टीज नहीं छोड़ते हैं, तभी आपको सक्सेस मिलता है। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो वेस्टीज ने आपको अलग अलग तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको दिया, एक नए व्यक्ति के लिए CNT दिया, थोड़ा आगे बढ़े तो VIP दिया, उसके अलावा थोड़ा सा डायरेक्टर का लेवल क्वालिफाई कर गए तो आप VLC ट्रेनिंग अटेंड कर जाते हैं, आगे चल के आपको मीट द मिलियनेयर मिलता है, आगे चल के आपको डेल कार्नेगी की ट्रेनिंग मिल जाती है, जब आप अच्छे लेवल पर जाते हैं तो आप डेल कार्नेगी की ट्रेनिंग मिलता है, जब आप स्टार लेवल पर क्वालिफाई करते हैं तो VWS में आप जाने की कोशिश करते हैं। ये जो ट्रेनिंग आपको कंपनी प्रोवाइड करता है, ये ट्रेनिंग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को तैयार कीजिए, उसके बाद किसी और को तैयार करने की कोशिश कीजिए। हम अपने आप को तैयार नहीं करते हैं और चाहते हैं कि मेरा डाउनलाइन काम करे, मेरा ऑफलाइन काम करे, और यही सबसे बड़ी समस्या रहती है, और ऐसे लोग ही सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सिस्टम के अंदर में ग्रोथ चाहते हैं तो अपने सिस्टम को समझने का प्रयास कीजिए, और वेस्टीज की एडवांटेज और वेस्टीज की USP आज वेस्टीज को नंबर 1 पोजीशन को हासिल कराई है, और पूरे वर्ल्ड के अंदर में हम लोग वर्ल्ड की टॉप 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बने हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म ना अभी है ना कोई आने वाले कल के अंदर में मुझे दिखता है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आइए साथ में मिलकर काम करते हैं, ग्रोथ के साथ काम करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट हमारे वीडियोज मिल सके। थैंक यू, विश यू वेल।